ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ମାତ୍ର ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ବାକି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ବୁଥ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ରହିଛି ତା ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି। ପ୍ରିପାରେସନକୁ ନେଇକି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା SDM ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ। ତାଙ୍କର ସାର୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ନେବା, ସେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲୁଛି। ସାର୍ କେସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲ ରହା ହେ ଅଭି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାୟଦ ମତଲବ ଫ୍ୟୁ ଆୱାର୍ସ ବଚା ହେ ଯୋ ଆପ୍ EVM ସର୍କୁଲେଟ୍ କର ରହେ। अभी हमारे डिस्पर्सल की प्रोसीजर चल रही है जी, तो अराउंड 95% हमारी पोलिंग पार्टीज बन गए हैं, तो अभी हम डिस्पर्स इनको करेंगे। तो मोस्ट वाली कोविड को हम ध्यान रखते हुए और जो इलेक्शन कमीशन के जितने भी गाइडलाइंस है उसके तहत हम इनको डिस्पर्स कर रहे हैं। और जितने भी व्हीकल्स है वो GPS एनेबल्ड है और विथ पुलिस पार्टी सिक्योरिटी गार्ड हम भेजेंगे। अगर सर कोई वोटर्स कोविड अफेक्टेड है उनके लिए क्या प्रिपरेशन किया गया है? कोविड अफेक्टेड वोटर्स के लिए ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइंस है कि हम इनको पोस्टल बैलेट इशू कर सकते हैं इन केस ऑफ रिसीप्ट ऑफ फॉर्म बाराडी। अगर मौके पे किसी का कोविड सिम्टोमेटिक है तो उनकी जो है हम पार्टी नंबर जी 277 आजो जी बूथ में थर्मल स्कैनर है, देन एज पर 277 नंबर आजो जी विल इशू देम टोकन सिस्टम और उसके तहत हम इनको वोटिंग वोटिंग पार्टी नंबर 277 आजो जी 277। लगभग कितने ऑफिसर आपका ये प्रोसेस में शामिल हुए हैं सर, अगर कुल मिला के बात करें? अराउंड 279 पोलिंग पार्टी से, तो इट कम्स अराउंड 1300। उसके साथ हमारा माइक्रो ऑब्जर्वर्स अराउंड 250 है, तो 1500 हमारी सिविल ऑफिशियल्स होगी। इसके अलावा पुलिस जो है हर एक बूथ में 3 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस आई और पुलिस पंजाब पुलिस हर एक बूथ में इनके हिसाब से जो सिक्योरिटी प्लानिंग के हिसाब से डिप्यूट हुए जी। सर लगभग जो 182 बूथ है उनमें से कुछ महिलाओं के द्वारा भी संचालित बूथ सेंटर है, उनके लिए क्या प्रिपरेशन है सर? हमारी हल्का समाना है जी, कॉन्स्टिट्यूंसी समाना में टोटल 232 बूथ्स है, उसमें एक पिंक नंबर 277 आ गया जी वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन है, उसमें सिविल ऑफिशियल एंड पुलिस ऑफिशियल बूथ वुड बी वुमेन। एंड इसके साथ हमारे साथ मॉडल पोलिंग स्टेशन है, उसमें जो हम इनको 277 नंबर आ जाओ जी और लोगों के 147 तो अमरजीत सिंह PRO आ जाओ, अमरजीत सिंह PRO 139 तो आ जाओ जी। आपका क्या चाहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है पटियाला का वो काफी बड़े, ऐसे कुछ मैसेज देना था? हमारी लगातार स्वीप एक्टिविटी चल रही थी 139 तो अमरजीत सिंह PRO अमरजीत सिंह जी। सुरक्षा की जो बात है सर, काफी लगभग हर साल देखा जाता है कि जो बूथ सेंटर होता है उसके आसपास काफी जो पॉलिटिकल लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए संजीवपुरी 165 डेप्यूटी कमिश्नर बता रहे थे 200 मीटर रेडियस की प्रोटोकॉल इस बार किए हैं संजीवपुरी 165 आ गए जी। सर आ रहे 165 संजीवपुरी मेरे तरफ से जी, पॉलिटिकल पार्टी सारे संजीवपुरी 165 PRO। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की 200 मीटर की पेरीमीटर में कोई पॉलिटिकल पार्टी के बूथ नहीं हो सकती। एंड हमने पुलिस को और सारे सिविल ऑफिशियल इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को हमने ब्रीफ किया, इन केस एनीवन वायलेट्स द प्रोटोकॉल देन वी विल टेक नेक्स्ट। संजीवपुरी जी आ रहे हैं जी 165 आ जाओ सर। सुनतले SDM वेनित सर जी के हमको पूरा डिटेल तथ्य रखुतले जे किभली ढंगरे वर्तमान प्रिपरेशन करा जी କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ କୋହଳ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟିଂ ପ୍ରୋସେସରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନିଜ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍କୁ ହାସଲ କରନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତାକାଲି କେତେ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ପଞ୍ଜାବବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଲଢ଼େଇରେ କିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଛି ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ଆସିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧା ବାଲା ଆଜି PRO 277 ନମ୍ବର ପାର୍ଟି କିଛି ଆଜି ପୁରୀ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।